मेरे को ये नया तरह का कुछ वॉर्म दिखाई दिया, एक कलेंचो के ऊपर लगा हुआ लीफ पर। आधा हिस्सा इसका जो है अंदर लीफ के अंदर था और आधा हिस्सा इसका बाहर नजर आ रहा था। तो आप देख सकते हैं कितनी तेजी से ये पंप कर रहा है अपने बॉडी के पास, जैसे मूवमेंट दिख रही है इसकी, चौड़ा कम हो रहा है एकदम से इसका बॉडी है। देखिए आगे पहले तो देख के बड़ा अजीब सा लगा कि किस तरह का वॉर्म है ये, लेकिन वो फिर बाद में मैंने जब आगे का पार्ट उसका लिफ्ट करा लीफ का, तो पता चला कि वो आधा अंदर घुस रखा है। आप देख सकते हैं कैसे उसने लीफ में होल बना दिया बिल्कुल एकदम, और काफ़ी सारी लीव्स तो ये खा भी चुका है एकदम। यहाँ सिर्फ इस टहनियाँ बची हैं और कुछ में तो एकदम से पीलापन आ गया है पत्तियों में, बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है वो। डाइजेशन बहुत क्विक है इसका, उधर से खाता है इधर से एकदम से बस डाइजेस्ट हो जाता है इसका विद इन सेकेंड्स में। ये पूरी लीफ के जूसेस वगैरह सब सक कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से मूवमेंट चल रही है इसके अंदर। अगर ये ऊपर पार्ट लिफ्ट करके देख सकते तो मेरे ख्याल से पता चलता कि ये कितनी जल्दी से लीफ को सक कर गया एकदम से पूरा का पूरा। ये आप देख रहे हैं अंदर ग्रीन ग्रीन पार्ट जैसे जूसेस से दिख रहे हैं पीछे को जाते हुए। आई थिंक ये बहुत ही डेंजरस वॉर्म हैगा कलेंचो के लिए, अगर आपके प्लांट्स में ऐसे लीव्स वगैरह ड्राई हो रही है बिल्कुल सूख गई है, या उसमें होल से बने हुए हैं, या हाफ वो लिफ्टेड हो रखी है, तो उसमें भी कुछ इस तरह का कीड़ा जो है उसको खा रहा है। मैंने कोशिश करी है इसको लीव को लिफ्ट करके देखने की कि भाई ये कितना लंबा है, ये कीड़ा कितना बड़ा हो सकता है और अंदर आपको देखने से पता चल रहा है कि येलो से कलर जो अंदर दिखाई दे रहा है इसके। मैंने आगे का पोर्शन पूरा लिफ्ट कर दिया लीफ पर, पूरा का पूरा वॉर्म जो है बाहर आ गया इसका। ये इसने जो है अंदर खड्डा बना दिया पूरा, आगे देख सकते हो बिल्कुल खाली कर दिया आगे का पार्ट, लीफ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी नीचे रह गई है हल्की सी। डाइजेशन चल रहा है, पत्ती ये काफी हद तक खा चुका है, यहाँ पे खड्डा बना दिया इसने पूरा खा खा के, और ये पत्ती इसके पेट के अंदर अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे। एक मिनट जो ये लाइट चल रही है इसके अंदर यहाँ पे, ये देखो ये इसका मुंह है यहाँ नीचे, तो ये सामने की तरफ इसके ब्रिसल्स हैं, कटिंग चूइंग और जूस वगैरह सर्व करने के लिए। इसका मुंह है सामने की तरफ, आप देख सकते हैं ना इसकी वाइब्रेशन चल रही है अंदर। डाइजेशन प्रोसेस चल रहा है इसका लीफ डाइजेस्ट करने का।
उसका डाइजेशन तो बहुत तेज है और काफ़ी जल्दी जल्दी खा रहा है ये। अगर आपके प्लांट में अगर कोई ऐसा होल सा दिख रहा है और नीचे का ऊपर का पूरा बेस गायब है, इसका मतलब इस तरह का कीड़ा कोई लगा हुआ इसमें आपके प्लांट को खाने में। ये मूवमेंट देख सकते हो कितनी तेजी से ये लगा हुआ है, सकिंग मूवमेंट चल रही है इसकी। वंडर कितना दिन में ये कितनी लीव्स खा जाता होगा। अपने सकुलेंट को बचाएं इससे कीड़ों से। अगर मैं गौर से नहीं देखता इसको तो ये दिखना भी नहीं था। देखो जरा कैसे उसमें वाइब्रेशंस चल रही है आगे पीछे। ये जो लीफ का बेस है पूरा सक कर गया ये अंदर। इसके जो ब्रिस्कल है नीचे की तरफ है, इसने खाना शुरू कर दिया। बचा लो अपने सकुलेंट को इस कीड़े से। कितना बड़ा छेद बना रखा था उसने यहाँ पे, अभी इधर आ गया।
क्या स्पीड है इसकी सक करने की। तो यहाँ पर ये इसके ब्रिसल्स जो होंगे वहाँ नीचे की तरफ सामने जो इसका फेस दिखाई दे रहा है वहाँ पर इसके ब्रिसल्स हैं, और ये अपना बड़ी स्पीड से ये खा रहा है। जिस स्पीड से तो लगता है बहुत जल्दी पूरा का पूरा लीफ एकदम ख़त्म कर देगा बिल्कुल। इस वॉर्म का डाइजेशन तो बहुत तेज होगा, उसी मिनटों में ये डाइजेस्ट करके फिर से दोबारा खाने को पहुंच जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर की तरफ जो है इसके ये दिख रहे हैं आपको अंदर की तरफ चलता हुआ काफ़ी तेज़ी से, इसका मांसपेशियां चल रही हैं तो डाइजेशन जो है काफ़ी तेज़ी से हो रहा है इसका अंदर, और कुछ ही मिनटों में ये पूरी की पूरी पत्ती साफ कर देगा एकदम। ये आगे की तरफ देख सकते हैं इसके ब्रिसल्स कैसे आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड चल रहे हैं। तो इस हिसाब से ये काफ़ी मतलब तेज़ी से ये लीफ के आउटर पार्ट को जो है एकदम से अंदर खींच रहा है और सारे जूसेस अंदर को ले रहा है ये, और जूसेस बिना रुके इसकी बॉडी में पीछे को अपना डाइजेशन के लिए अंदर जा रहे हैं बहुत तेज़ी से। इसका हेड जो है ऊपर ट्यूब से कवर हो रखा है सकुलेंट जैसी, इसकी जो ऊपर ट्रांसपेरेंट बॉडी दिख रही है इसके नीचे इसका हेड है पूरा ब्राउन सा, और वो पूरा प्रोटेक्टेड हैगा मतलब किसी भी आउटर एनिमल की उससे, ये बिल्कुल सेफ है रीच से, कोई इसको जल्दी से पहुंच नहीं सकता और हार्म नहीं कर सकता अनलेस इसको उल्टा करके वो पकड़े। ऊपर से देख सकते हैं आप इसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट है तो वो पूरा उसका डाइजेशन सेंट्रल पार्ट दिखाई दे रहा है इसका एकदम ट्रांसपेरेंट के ऊपर। तो वो आगे की तरफ जो उनको ग्रीन ग्रीन सा पार्ट दिखाई दे रहा है डार्क सा थोड़ा, वो इसमें लीफ जो है रुकी हुई है, वो जूसेस वगैरह जो उसमें सक करे हुए हैं वो उसमें दिखाई दे रहे हैं पूरे, और बड़ी तेज़ी से इसका चल रहा है आगे का पार्ट माउथ पार्ट। आप देख सकते हो कितना फास्ट वो एकदम से लगा हुआ है उसको सक करने में, बहुत तेज है ये। तो मेरा तो पूरी प्लांट की सब लीव्स खा चुका है ये, दो तीन तो पूरे खत्म कर दिया इसने एकदम। फ्रंट पार्ट में इसके जो सकिंग इंस्ट्रूमेंट है इसके हेड के नीचे की तरफ, काफी धीरे धीरे से लगा हुआ है नीचे नीचे सक करने में। आई थिंक च्यू कर रहा है और फिर साथ में इसको अंदर फीड कर लेता है, वो देखने से पता चल रहा है सामने से। और देखो आगे पीछे आगे पीछे, ऊपर से अगर गौर से ना देखो तो पता नहीं चलता ये कर क्या रहा है। लाइट में ज़्यादा पता चलता है इसका कैसे इसके अंदर एकदम से मूवमेंट हो रही है।